हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में एक नई अपडेट है। तो अभी तक ये लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन काफी मेरे पास ये कमेंट आ चुके हैं और साथ ही साथ ये बच्चों ने स्क्रीनशॉट भी मुझे काफी दिए हैं, भेजे हैं व्हाट्सएप पे। तो सभी छात्रों से कहना चाहूंगा, जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम की जो आपकी कह दें कि स्कीम है वो लॉन्च हो चुकी है, लेकिन अभी तक साइट पर अपलोड नहीं हुई है। ठीक है, तो साइट पर जो अपलोड होने वाली है वो कल होगी, सोमवार को, मंडे को हो जाएगी। लेकिन मैं आपको यहां बता दूं, अब ये कहां से आ रही है ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ, इसको देखकर ये जाना मतलब अंदा कह सकते हैं, एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये रियल है। ठीक है, ये जो सिग्नेचर है वो सेम टू सेम है, वैसे ही है। अब यहां बात की जाए कब ये कल आपको क्लियर कंफर्म हो जाएगा कि ये सच में 8 तारीख से ही है आपके पेपर या नहीं। तो यहाँ देखो, जिसमें जो बोले गए हैं वो सैटरडे को आपको पेपर बोला गया है, तो सैटरडे को आपको पेपर होगा। मैं थोड़ा सा और जूमिंग कर देता हूँ ताकि आपको साफ दिखाई दे। एक बार इसको देख लीजिए ध्यान से कि सैटरडे से आपका स्टार्टिंग हो जा रहा है, मतलब शनिवार से आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखो इसमें क्या है, दो शिफ्टों में तो पेपर पहले ही से बोल रखा था, पहले 18 तारीख से आपके एग्जाम थे इंप्रूवमेंट वाले, MJPRU रोहरखंड यूनिवर्सिटी बरेली की बात कर रहा हूँ। तो अब क्या है, अब चेंज कर दी स्कीम, जो हमारे पोस्टपोन्ड हो गए थे हमारे पेपर, अब क्या है, अब जो हमारे स्कीम नई लॉन्च हुई है वो आप देख सकते हैं कि सैटरडे से आपका पेपर होगा। अब देखो यहां जो उन्होंने क्या कर रखा है, जो जो थर्ड ईयर के छात्र हैं, बीए थर्ड ईयर है, बीएससी थर्ड ईयर है, बीकॉम थर्ड ईयर है, तो उनके जो उन्होंने डाले हैं एक एक सब्जेक्ट में डालते हैं, तो अलग अलग यहां देखो ऑल सब्जेक्ट लिख रखा है। मतलब किसी ने मान लो बॉटनी में एजुकेशन का पेपर दे रखा है तो एजुकेशन के पेपर होंगे उसके, यदि उसने कह दे कि सोशियोलॉजी का दे रखा है तो सोशियोलॉजी का पेपर होगा। जो जिसने जिस सब्जेक्ट में भरे हैं वो अपने अपने भर सकते हैं। इसी प्रकार से देख सकते हो ये 11 से 12:30 बजे तक होगा, 3 घंटे का होगा, वही तरीका होगा जो हमने पहले मैंने एग्जाम में दिए थे। दोनों पेपर एक साथ आएंगे, तीनों पेपर एक साथ आएंगे, वही सिस्टम होगा। केमिस्ट्री के तीनों है तो तीनों पेपर का एक साथ बनेगा, वही क्वेश्चन बनेंगे, 5 लॉन्ग जिसमें से एक या दो करने होंगे, ठीक है, एक करना होगा, और सॉल्व होंगे 10, उसमें 5 करने होंगे, और वही तरीका होगा, वो विकल्पीय क्वेश्चन होंगे, वो भी आपको 5 करने होंगे, वैसे ही जो आपको पहले पैटर्न दे रखा है। उसी प्रकार से 10 तारीख को पेपर है आपका, देख सकते हो बीए थर्ड ईयर, बीएससी और बीकॉम थर्ड ईयर वालों, सेकंड ईयर वालों का है। सेकंड ईयर वालों का जो पेपर होगा, सेकंड ईयर वालों का पेपर 10 तारीख को होगा, और 8 तारीख को जो होगा थर्ड ईयर वालों का पेपर होगा। ठीक है, यही देखो उन्होंने 11 तारीख को जो पेपर दे रखा है, जैसे कि बीए बीएससी बीकॉम के फर्स्ट ईयर वो सॉरी सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के जो छात्र हैं, ठीक है, जो एनवायरमेंट वाले पेपर होते हैं वो दे सकते हैं साइंस वाला, और एक होता है इंप्रूवमेंट वाला, एक होता है एनवायरमेंट साइंस वाला, वो भी देखो ये कौन है, बीए को फर्स्ट ईयर वाले, जो फर्स्ट ईयर वाले छात्र हैं वो भी दे सकते हैं, जिसने फर्स्ट ईयर में भरा है। ठीक है, इसके फर्स्ट ईयर में जैसे फेल हो गए, मतलब उसको नॉट क्लियर दिखा रहा था किसी किसी छात्रों का, तो वो भी भर सकते हैं। और फिजिकल एजुकेशन का भी पेपर देख सकते हो आपका, यही इसी तारीख को होगा फिजिकल एजुकेशन वाला। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन वाला 13 तारीख को है। तो देखो स्पोर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन का जो पेपर होगा वो 23 तारीख को है, और इसके लिए हमने पीडीएफ भी दे रखी है, तो आप पीडीएफ से पढ़ लीजिए। उस पीडीएफ से आप पढ़ लोगे तो वहां से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। उस पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से पढ़ लेना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। स्पोर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन वाला पूरा सिस्टम फंस जाएगा। और जो एनवायरमेंटल साइंस का पेपर होता है वो आप देख सकते हैं 11 तारीख को होगा, बाकी आपको स्कीम देखा है। इधर आपका देखो एमए एमएससी एमकॉम वालों के छात्रों के लिए दे रखे हैं, और फर्स्ट ईयर के स्पोर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन का 1:30 से 3 बजे के बीच में होगा, आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड जो फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, ठीक है, बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, जो फिजिकल एजुकेशन में उनका नॉट क्लियर दिखा रहा है, और 2020 में एग्जाम नॉट क्लियर था, जिसका 2020 का एग्जाम जो नॉट क्लियर दिखा रहा है, देखो 2020 वाला जो नॉट क्लियर दिखा रहा है वो फर्स्ट ईयर वाले छात्र दे सकते हैं दोबारा से, उन्होंने यदि फॉर्म फिल किया होगा तो ये सारे आप देख सकते हैं, एमकॉम एमए एमएससी एमकॉम सबके यहाँ दिखा रहा है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं आपकी स्कीम लॉन्च हो चुकी है। तो यही स्कीम होगी, 8 तारीख से आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, मेरा कहना ये है। तो कल आपका एक जो स्कीम है वो यूनिवर्सिटी की साइट पर अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। आशा करता हूं वीडियो पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करेंगे और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करेंगे। बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम दे रहे हैं वो दे सकते हैं। प्ले स्टोर पर हमने कुछ ऐप पब्लिश कर रखे हैं जो आपको फ्री में नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं हम लोग, बिल्कुल फ्री में, कोई इशू नहीं है। वो ऐप से क्या होगा, आप ऐप से पढ़ सकते हैं, अच्छी तैयारी कर सकते हैं ऐप से डाउनलोड करके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ऑल नोट्स ऑल ऐप सब कुछ वहां आपको मिल जाएगा, कोई इशू नहीं। मतलब सब कुछ आपको हम फ्री देंगे, अब एक्स्ट्रा कुछ नहीं, देखो सोचना समझना नहीं है, अब जो भी करना है अच्छे से करना होगा। एग्जाम बहुत करीब है ये समझ लीजिए, ज्यादा ये नहीं है कि आप बहुत जल्दी आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, बाय।